महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित है शहीद स्मारक भवन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार की रात राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन का नई साज सजा के साथ लोकार्पण किया। उन्होंने स्मारक परिसर में स्थापित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय कमल नारायण शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पद्मश्री डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे और पन्नालाल पंड्या सहित स्वर्गीय कमल नारायण शर्मा के भाई चंद्र प्रकाश शर्मा और पुत्री सविता पाठक को शॉल व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय कमल नारायण शर्मा की प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर मिला। अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखने के लिए रायपुर में कोई नाम जाना जाता है तो वह कमल नारायण शर्मा जी का नाम है। हमें फक्र है कि हम ऐसे महापुरुष की नगरी में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद स्मारक भवन स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में योगदान देने वाले महापुरुषों की याद को संजोया गया है। आज यह नई साज सजा के साथ लोकार्पित हुआ है। हर रविवार को यहां आयोजित किए जाने वाले लाइट एंड साउंड कार्यक्रम के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों विशेषकर शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में बताया गया है, जिससे युवा और बच्चे उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जान सकेंगे। मुख्यमंत्री ने शहीद स्मारक भवन को नवीन साज सजा के साथ निर्माण करने के लिए नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पदाधिकारियों को बधाई दी। कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में देश और प्रदेश के महापुरुषों के योगदान पर आधारित लाइट एवं साउंड लेजर शो प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, रायपुर नगर निगम रायपुर के महापौर प्रमोद दुबे, विधायक कुलदीप जुनेजा, विकास उपाध्याय, अनिता योगेंद्र शर्मा, नगर निगम रायपुर के सभापति प्रफुल्ल विश्वकर्मा, नेता प्रतिपक्ष सूर्यकांत राठौर सहित निगम के पार्षदगण, कलेक्टर डॉक्टर बसवराजु एस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख, नगर निगम के आयुक्त शिवानंद तायल, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता डी के अग्रवाल सहित प्रबुद्ध नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि राजधानी रायपुर के रजबंदा मैदान में निर्मित शहीद स्मारक भवन को सुविधा संपन्न बनाने तथा इसको आकर्षक स्वरूप प्रदान करने नगर पालिक निगम, लोक निर्माण विभाग, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने मिलकर आंतरिक व बाह्य विकास एवं सौंदर्यीकरण का कार्य किया है। यह देश का पहला ऐसा ऑडिटोरियम है जिसमें 3D प्रोजेक्टर मैपिंग की सुविधा है। इसमें शहीदों पर आधारित लगभग 11 मिनट का लेजर शो भवन के फ्रंट फेस में हर सप्ताह दिखाया जाएगा। भवन के भीतर 650 सीटर ऑटोमेटिक एयर कंडीशन हॉल और मंच के बीच बना एक कॉस्टिक डोम भी विशिष्ट है। इस स्थल पर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र स्व कमल नारायण शर्मा की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इस भवन की छत पर टेरेस गार्डन जहां हरियाली का एहसास कराएगा, वहीं परिवार के साथ आने वाले लोगों के लिए बच्चों के खेलने की सुविधा भी इसी छत पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह सारी सुविधाएं लोक निर्माण विभाग, स्मार्ट सिटी लिमिटेड और नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय कमल नारायण शर्मा का परिचय छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, समाजवादी चिंतक, गांधीवादी नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, यशस्वी अधिवक्ता। स्वर्गीय कमल नारायण शर्मा का संपूर्ण जीवन न्याय के लिए संघर्ष एवं लोक कल्याण के प्रति समर्पण की गाथा है। उन्हें आजादी के आंदोलन के दौरान ब्रिटिश जेल में कठोर कारावास पर रखा गया। वे प्रजातंत्र के सच्चे प्रहरी एवं जन जागरूकता के पैरोकार रहे। स्वर्गीय शर्मा आजीवन सच्चाई के सिद्धांत एवं निष्ठा की उस सख्त जमीन पर खड़े रहे जहां न कभी झुके, न बिके और न टूटे। राजनीतिक जगत में सिद्धांत और आदर्श के प्रति यह अटूट समर्पण ही उनकी विशेष पहचान थी।